मौसम करवट लेने के फिराक में है और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। 2 से 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भीषण ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है और ठंड की वजह से लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार को मौसम साफ बना रहा, हालांकि मंगलवार से एक बार फिर मौसम बिगड़ सकता है और ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, जहां मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को और अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के बिगड़ने के अनुमान जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान भी पहाड़ी जिलों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें चंबा धनोल्टी मोटरमार्ग यातायात के लिए 3 दिन बाद खोल दिया गया है और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में धूप तो निकली है लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल पाई है और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे अभी भी इस दौरान बंद पड़ा है, लेकिन ठंड के जो है आसार से अभी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मौसम एक बार फिर से करवट बदलने के फिराक में नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो है हरिद्वार में अभी इस दौरान धूप निकली है लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। एक बार फिर से ठंड के बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये जानकारी दी गई है, जहाँ एक बार फिर से मौसम ने करवट ली बदल ली है और ऐसे में लोगों को अलाव हीटर का सहारा एक बार फिर से लेना पड़ सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह मसूरी से जुड़ गए। तमाम जानकारी के लिए नीरज सिंह, मौसम एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए यदि मसूरी की बात की जाए, हालांकि मौसम विज्ञान ने आने वाले समय में उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में फिर से मौसम खराब होने का अनुमान जताया, लेकिन फिर भी यदि मसूरी की बात की जाए, मसूरी में 2 दिन की बर्फबारी हुई थी जिसके बाद अभी 2 दिन बर्फबारी के बाद जो है अभी मौसम काफी खुला हुआ है और तेज चटक धूप खिल रही है। कल भी चटक धूप थी और अभी भी आज भी चटक धूप खिली हुई है अभी। जी, ऐसे में मसूरी की तरफ जो पर्यटक रुक कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो तमाम तरह की घटनाएं भी घट सकती है, इसके लिए सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जो तेज बर्फबारी यहाँ मसूरी में हुई थी तो एक दर्दनाक हादसा भी हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। उसको देखते हुए प्रशासन ने काफी अलर्ट घोषित किया हुआ है। नगर पालिका के साथ प्रशासन ने मिलकर के तुरंत मसूरी के जितने भी रोड्स थी वहाँ पर जेसीबी लगा करके बर्फबारी जो हुई थी रोड से बिल्कुल साफ करा दी है। साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उसे धनोल्टी जो है धनोल्टी निकटवर्ती पर्यटन स्थल वहाँ पर जा रहे हैं टूरिस्ट, उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि उससे ज्यादा दूर ना जाए, अपने आप को सेफ रखें क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। जी, ऐसे में जो पर्यटक मसूरी की तरफ रुक कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए मसूरी जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, एक अनएक्सपेक्टेड है ये कि क्योंकि बर्फबारी जो सोच करके नहीं आते हैं वो यहाँ पे, लेकिन जो इस बार की बर्फबारी है उसको देखकर ये काफी उत्साहित है और लगातार मसूरी के जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है लाल टिब्बा चार दुकान वहां पर और धनोल्टी और धनोल्टी सतकंडा की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं इस समय। जी, इस समय मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी का कैसा मौसम है और किस तरह की संभावनाएं जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है? देखिए जिस तरीके से मैंने कहा मौसम विभाग ने आने वाले कुछ समय के लिए कुछ दिनों में मौसम फिर से खराब होने की संभावना जरूर व्यक्त की है, लेकिन मसूरी का मौसम इस समय बहुत खुशगवार है। पर्यटक जो है लगातार यहाँ पर मसूरी का रुख कर रहे हैं, मसूरी आकर के आनंदित हो रहे हैं, इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी में इस समय तेज चटक धूप खिली हुई है। जी सामने, ऐसे में नीरज सिंह अगर बात करें स्थानीय लोग की तो उनको क्या कुछ समस्याएं जो है इस दौरान झेलनी पड़ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा देखा गया है कि बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये लाजमी है कि बर्फबारी या तेज बारिश का माहौल उत्तराखंड में होता है, पहाड़ी इलाकों में खासकर मसूरी जैसे इलाकों में, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें परेशानी उनको होती है, क्योंकि जो डेली कमा करके अपनी आजीविका चलाने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें परेशानी होती है। हालांकि जो इस बार बर्फबारी हुई थी उसमें काफी फायदा पहुंचा छोटे व्यापारियों को, साथ साथ बड़े व्यापारियों को भी, और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं बर्फबारी को देख करके एक चमक उनके चेहरे पे आई थी, क्योंकि
पर्यटन पर्यटन क्षेत्र है, आजीविका पर्यटन से चलती है, जो टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं आजीविका ऊपर उठती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी भी होती है, बिजली को लेकर के या पानी को लेकर के समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है मसूरी के अंदर। ऐसे में तो ये भी देखा जा रहा है बर्फबारी की वजह से नीरज जी रोड पे बर्फ जो जम जाती है सफेद चादर थी, ऐसे में उन तमाम चीजों से सुविधाओं के लिए लोगों के आमजन के लिए ताकि रोड पे बर्फबारी जो जमी होती है उससे बचने के लिए सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है, क्योंकि देखा जाता है कि बर्फबारी की वजह से रोड जाम हो जाता है, गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए मसूरी जो है, मसूरी के लिए जितनी भी आपूर्ति होती है वो बाहर से होती है, मसूरी के अंदर अपना ऐसा कोई खेती बाड़ी का यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो मसूरी के आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र है, जो गांव है, धनौल्टी सुरपिंडा की साइड से यहाँ से सब्जी वगैरह की दूध की आपूर्ति की जाती है, कैंती फॉल साइड से जो है वहां से दूध की आपूर्ति की जाती है, देहरादून मसूरी रोड जो है वहां से होती है, तो सारी की सारी जितनी भी रोड थी इस बर्फबारी के चलते बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मसूरी के अंदर जो खाद्यान्न की स्थिति थी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन इस समय जो है सुचारू हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन ने बहुत अच्छा यहाँ पे मसूरी के अंदर काम किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो बर्फबारी हुई थी उसको तुरंत खोल करके यातायात सुचारू रूप से यहाँ पे कर दिया था। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है नीरज सिंह जी, कोरोना की वजह से व्यापारी वर्ग को खासा नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि पिछले साल जो है वहाँ पे पर्यटक नहीं पहुंच पाए थे, तमाम तरह के प्रोटोकॉल जो है लगाए गए थे लॉकडाउन की वजह से, ऐसे में अब पर्यटक वहाँ रुक कर रहे हैं, ऐसे में व्यापारी वर्ग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए 2 साल के कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी व्यापारी वर्ग, खासकर जो छोटे दुकानदार थे उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें परेशानी आई थी, लेकिन जो ये बर्फबारी हुई है ये देखकर के उनके चेहरों पे काफी चमक है। मसूरी की जो ऑक्यूपेंसी होटलों की अगर मैं बात करूं तो 80% से 90% तक ऑक्यूपेंसी खुल रही है। मसूरी में जो रेट जो आज 1000 रुपए का जो रूम था वो 1500 से 2000 रुपए में गया, ये एक अनुमान लगाया गया है आपसे, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो गर्म कपड़ों की दुकानें थे वहां पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दिए, गर्म कपड़ों की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ जो छोटे दुकानदार थे चाट और रेड़े वाले जो थे इनकी दुकानों पर भी काफी रौनक दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके से यदि बर्फबारी होती है या फिर से आगे बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चमक वाली बात होती है। ऐसे में देखा जाए तो कोरोना के आंकड़े में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से अभी जो है खत्म नहीं हो पाया है, अभी भी आंकड़े जो है बढ़े हुए हैं, लोग जो है अभी भी कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है, ऐसे में जो पर्यटक मसूरी की तरफ रुख कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, क्या उन प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मसूरी खासकर जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ मसूरी जैसे पर्यटन क्षेत्रों में आने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल के जारी किया गया उसके अनुसार 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, साथ ही साथ डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में होना अनिवार्य है, तब जाकर के मसूरी में एंट्री मिलेगी, और जिसका पालन यहाँ पे किया भी जा रहा है। जो होटल्स हैं यहाँ पे जो अकोमोडेट करते हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको यदि रहने के लिए कमरा उत्पन्न दिया जाता है तो उसके लिए वो देखते हैं वहाँ पे कि यदि RT-PCR रिपोर्ट और 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट के साथ डबल डोज वैक्सीनेशन भी है उसके साथ ही उनको रूम्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ मसूरी में जो है प्रशासन भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिख रहा है इसमें, क्योंकि कोरोना काल है, क्योंकि इलेक्शन का चुनाव का समय इस समय सामने खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं फोर्स की मसूरी के अंदर कमी भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मसूरी की प्रशासन पुलिस नगर पालिका मिल करके कोविड प्रोटोकॉल को पालन करवाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है इस समय। ऐसे में जो पर्यटक पहुंच रहे हैं मसूरी में उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी? देखिए मसूरी जो पर्यटक पहुंचे जब हमने उनसे इस बारे में बात की थी तो उनका यही कहना है, क्योंकि मसूरी बिल्कुल सेफ है, मसूरी आए, मसूरी सबसे ज्यादा सेफ इलाका यहाँ पर है, और साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ प्रशासन की लेकिन हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तो मसूरी जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो एक अच्छे पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में आ रहे हैं, जो एक दूसरों को मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं। नीरज सिंह जी, ऐसे में मसूरी में जो है इस दौरान बर्फबारी हो रही है, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर यहां पे तमाम तरह की बातें भी कही गई है, ऐसे में जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जो है अगर बात होटल की करें तो वहां पे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है होटल के अंदर?
बिल्कुल देखिए, जो होटल्स के अंदर जो रूम प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अंदर सैनिटाइजर मास्क वगैरह रखे जाते हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा उनके लिए सैनिटाइजर मास्क रखे जाते हैं। और साथ ही साथ जो है जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के अधीन जो भी उसमें गाइडलाइंस है उसको पालन करने का आग्रह किया जाता है। मसूरी के अंदर जब वो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए तो उस समय भी उनको उनको बताया जाता है कि आप बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के थोड़ा तो पालन करें, साथ ही साथ जो यहाँ पे जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन करने के लिए उनसे एक तरीके से अपील की जाती है यहाँ पे। तो नीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मसूरी से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। और एक बार मौसम ने जिस तरीके से करवट ली, ऐसे में मसूरी का क्या कुछ अपडेट है, उन तमाम अपडेटों से हमने आपको रूबरू कराया।